CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनि शाला में। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ उषा और आप आज एक मजेदार कहानी सुनेंगे जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि भालू फुटबॉल कैसे खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकते? जैसे आप गेंद को किक मारते हैं, पैर से उछालते हैं, ऐसे ही भालू ने भी अपने पैर से बॉल जैसी चीज को उछाल दिया। तो आप ये जानना तो जरूर चाहेंगे कि भालू ने सचमुच में फुटबॉल खेली या किसी को फुटबॉल की तरह देखा और एक किक लगाई, यानी कि पैर से उछाल दिया। तो आज हम इस कहानी में यही जानेंगे। तो सारे बच्चे तैयार हैं? मैं भी तैयार हूं। तो हम आज एक कहानी सुनते हैं, भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। और एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। किस आफत में आ फंसा। बारहवीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। ए अयो! डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना
शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कुछ दिखाई नहीं देता था, धुंध ही धुंध थी, अपना हाथ भी खुद को दिखाई न देता था, ऐसा कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। उसे भी तो ठंड लग रही थी और ठंड की वजह से वो गुड़मुड़ गुड़मुड़ होकर सो गया, जैसे आप सारे बच्चे सर्दियों में कड़ाके की ठंड जब पड़ती है तो रजाई में गड़मट गड़मट होकर सो जाते हैं। ऐसे ही शेर का एक छोटा सा बच्चा गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पता है फिर क्या हुआ? इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे, तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आप देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया, किसे? शेर के बच्चे को। और हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब सोचो क्या हुआ होगा, सोचो कि शेर के बच्चे का क्या हुआ होगा, और ये भी सोचो कि भालू का क्या हुआ होगा। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली थी मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए और पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को यूं उछलने में मजा आ रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर यही बार बार होने लगा। यानी कि शेर के बच्चे को उछलने में बहुत मजा आ रहा था और भालू साहब जो थे वे बार बार शेर के बच्चे को उछाल रहे थे। न जाने कितनी बार उछाला, शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, लेकिन भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा, बारहवीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब सोचो कि शेर के बच्चे का क्या हुआ होगा। भालू ने तो शेर के बच्चे को उछाला और उसकी तरफ सरपट दौड़ लगाई अपने घर की तरफ। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है तो मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। जानते हैं 9-2-11 होने का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक, यानी कि शेर का बच्चा भी अपने घर की तरफ दौड़ लिया, वह भी भाग गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो कैसी लगी आपको कहानी? भालू ने फुटबॉल खेली या कुछ और खेला? ये फुटबॉल नहीं थी, ये तो था शेर का बच्चा। कोहरे की वजह से भालू दादा को ये पता ही नहीं चला कि जिसे वे फुटबॉल समझ रहे हैं दरअसल वो शेर का बच्चा है, जो ठंड की वजह से गोल मटोल होकर सिकुड़कर सिमटकर जामुन के पेड़ के नीचे बैठा था। तो अब कहानी में सबसे जो मजेदार बात हुई वो क्या थी? ये मजेदार बात मेरे लिए अलग हो सकती है, यही मजेदार बात रोहन के लिए अलग हो सकती है, रिद्धिमा के लिए अलग हो सकती है, झुमकी के लिए अलग हो सकती है और अमित के लिए अलग हो सकती है। यानी इस कहानी में हर बच्चे को
कहानी के अलग अलग हिस्से बेहद पसंद आए होंगे। तो आप अपना हिस्सा तय कीजिए कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा, और यही बात अपने दोस्तों से कहिए, अपने घर के सदस्यों से कहिए, और उन्हें बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा। तो मैंने जब ये कहानी सुनाई तो कहानी सुनाते सुनाते दरअसल मुझे कहानी का वह हिस्सा सबसे अच्छा लगा जब भालू ने 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाला और वे वहां से रफू चक्कर हो गए। भालू ने तो ये भी नहीं सोचा शेर का बच्चा बेचारा जब जमीन पर गिरेगा धड़ाम से तो उसे कितनी चोट आई होगी। लेकिन भालू को तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए उन्होंने शेर के बच्चे को उछाला और अपने घर की तरफ भाग गए। लेकिन पता है झुमकी को क्या पसंद आया? झुमकी ने बताया उसे इस कहानी का वह हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा जब माली शेर के बच्चे पर बरस पड़ा और खूब गुस्सा किया और कहा कि मेरे पेड़ की डाल तुमने तोड़ दी, लाओ हर्जाना। अब सोचिए भला एक शेर का बच्चा माली को क्या देगा हर्जाने में? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास ना तो पैसे हैं, ना उसके पास कोई सामान है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो भला शेर का बच्चा माली को हर्जाने में क्या देगा? तो झुमकी को यही बात तो पसंद आई कि माली दादा ने क्या सोचकर शेर से कहा कि लाओ मेरा हर्जाना, तो इससे अच्छा वो शेर से कुछ और मांग लेते। लेकिन उन्होंने तो शेर के बच्चे से हर्जाना मांगा। और तो और रोहन को कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया? तो रोहन को कौन सा पसंद आया हिस्सा? वही हिस्सा जिसमें शेर का बच्चा वहां से 9-2-11 हो गया। अब तो कोई भी बच्चा ये जान लेता है कि जब माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ, तो जाहिर से बात थी कि कोई भी वहां रुकेगा नहीं, माली के पलटते ही शेर का बच्चा भी अपने घर की तरफ को पलट लेगा। देखिए तो रोहन को कहानी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, लेकिन रिद्धिमा को कहानी का शुरू का हिस्सा बहुत पसंद आया। कौन सा हिस्सा? वही हिस्सा जिसमें कोहरा ही कोहरा था, जिसमें ठंड थी और सब लोग सिकुड़ मुकुड़ कर सो रहे थे, जाग रहे थे, घूम रहे थे, और उसके बीच में भालू सैर को निकल आया था। भालू ने तो ये सोचा था कि चलो सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है, मैं कुछ सैर कराऊं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इतना कोहरा होगा कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देगा। और ये जो पूरी कहानी में घटा है ना, ये सिर्फ कोहरे की वजह से घटा है। तो कोहरे की वजह से भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया और जोर से उसे पैर से उछाल दिया। अब सोचिए अगर कहानी में कोहरा नहीं होता तो क्या होता? ये तो बहुत ही सीधी सी बात है, अगर कहानी में कोहरा नहीं होता तो भालू साहब शेर के बच्चे को फुटबॉल नहीं समझते, शेर का बच्चा अपने आप को उछालने के लिए नहीं कहता, भालू साहब 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर अपने घर की तरफ नहीं भागते, शेर का बच्चा डाल नहीं पकड़ता तो डाल टूटती नहीं, और डाल टूटती नहीं तो फिर माली जो है वो शेर के बच्चे पे नाराज नहीं होता। तो कहानी में दरअसल ये सब जो कुछ घटा है, कहानी में जो कुछ हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कोहरे की वजह से हुआ है। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे मालूम है कि आप ये कहानी अब अपने दोस्तों को सुनाएंगे, घर में अपने बुजुर्गों को सुनाएंगे, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नानी, बुआ, ताऊ, मौसी, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, मुझे मालूम है आप ये कहानी उन्हें जरूर सुनाएंगे, और उतने ही मजे लेकर ये कहानी सुनाएंगे जैसे मजे से आपने कहानी सुनी है। तो जब आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे तो कुछ सवाल भी पूछ लीजिएगा। क्या हो सकता है, क्या पूछेंगे आप उनसे? यही कि आखिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? आपको पता है? मुझे मालूम है कि बच्चों को तो कहानी अच्छे से याद है, उन्हें कहानी समझ में आ गई है। तो आप बताएंगे कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? सीधा सा जवाब है, क्योंकि भालू ने उसे उछाला और फिर वे अपने घर की तरफ भाग लिया। तो इसका मतलब ये है कि शेर के बच्चे ने भालू को अपने घर की तरफ भागता हुआ देख लिया था।
अगर ये न देखा होता तो क्या होता? तो भर यही होता कि वह डाल नहीं पकड़ता और भालू के हाथ में आ जाता और फिर भालू से बोलता कि अब मुझे एक बार और उछाल दो। तो शेर के बच्चे ने भालू को अपने घर की तरफ भागते हुए देख लिया था, इसलिए उसे लगा कि अगर मैंने पेड़ की डाल नहीं पकड़ी तो मैं ऊपर से नीचे टपक टपक जाऊंगा। तो इसलिए शेर के बच्चे ने डाल को पकड़ लिया। अच्छा अब बच्चों ये बताओ कि शेर का बच्चा दहाड़ा क्यों? सोचो, समझ में आया? अच्छा आप सोचोगे कि कौन सी बार दहाड़ा, भी हमारी कहानी में तो बच्चा एक ही बार दहाड़ा था। तो शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था? इसलिए क्योंकि भालू ने उसे फुटबॉल समझकर पैर से उछाल दिया था। अब जिसको भी पैर से उछाला जाएगा उसे दर्द तो होगा ना। अगर मान लीजिए कि हमें ही कोई पैर से धकिया दे, हमें ही कोई पैर से उछाल दे या पैर लग जाए जोर से, तकलीफ होती है ना। तो ठीक वही तकलीफ भालू के बच्चे को भी हुई, इसलिए वह जोर से दहाड़ा। अब सोचिए शेर का बच्चा हमारे सामने है, शेर को तो हमने देखा ही है, शेर का बच्चा उससे 19-20 तो होगा नहीं, तो उम्र में कम होगा, साइज में कम होगा या आकार में कम होगा, लेकिन है तो शेर का बच्चा, फुंकार तो होगा और उसके दहाड़ने से हमें डर भी लग जाएगा। तो सोचिए कि जब शेर का बच्चा दहाड़ा होगा तो उसकी कितनी जोर से आवाज आई होगी पूरे जंगल में। तो उसकी दहाड़ को सुनकर भालू तो घबरा गया था, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और भरी ठंड में उसके माथे से पसीना बह रहा था। तो भालू साहब किस बात पे पछताए होंगे? इसी बात पर कि मैं तो सुबह सैर करने आया था लेकिन इतना कोहरा कैसे हो गया। अगर ये कोहरा नहीं होता तो वे शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर नहीं उछालते। अच्छा सोचिए बच्चों, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? तो बच्चे कहेंगे कि उषा दीदी पहले आप ये बताइए कि ये आफत क्या है। तो आफत में आप लोगों की जान आफत में आ गई है, आफत का मतलब है मुसीबत। तो भालू ने ये क्यों कहा ओह मैं किस मुसीबत में आ फंसा? बहुत सीधी सी बात है, उसे ये लगा कि शेर का बच्चा तो बार बार उछालने के लिए कह रहा है और मैं इसको कितनी बार उछालूं, उछालते उछालते मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। तो बस इसी उछालने को सोचकर भालू ने कहा ओह किस आफत में आ फंसा। अब बच्चों आप उस घटना के बारे में सोचिए जब आप किसी मुसीबत में फंसे हों और आपने उस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता अपनाया होगा। सब बच्चों के पास कोई ना कोई अनुभव तो जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर घटी होगी जब आपको लगा होगा और जब आपने भी भालू की तरह कहा होगा ओह किस आफत में आ फंसा। अमित ने अपना एक किस्सा सुनाया, तो पता है अमित ने क्या बताया? अमित ने कहा कि एक दिन की बात थी, मैं अपने घर से स्कूल जा रहा था, मेरे बस्ते में कॉपी किताबें कम, कंकड़ पत्थर ढक्कन मोर के पंख और न जाने दुनिया जहां की चीजें उसके बस्ते में थी। अब वह बस्ता लेकर उसको हिलाता हुआ गुनगुनाता हुआ स्कूल की तरफ पहुंचा और वह गुनगुनाने में गाने में इतने मस्त हो गए थे अमित साहब कि स्कूल का टाइम उन्हें पता नहीं चला और वे स्कूल लेट पहुंचे। और जब वे स्कूल के गेट पर पहुंचे तो मालूम है क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब खड़े थे गेट पर और उन्होंने अमित को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखा। सोचिए अमित की क्या हालत हुई होगी, आप सब तो अब अमित की हालत को जान सकते हैं। अमित डर गए थे कि अब प्रिंसिपल साहब बहुत नाराज होंगे, बहुत नाराज होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो अमित ने एक उपाय सोचा, उन्होंने कहा कि सर जी वो ऐसा हुआ कि जब मैं अपने घर से स्कूल आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक शेर का बच्चा मिल गया था और फिर मैं शेर के बच्चे को मैंने पास जाके देखा तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी, मैंने उसकी मरहम पट्टी की, उसे उसके घर पहुंचाया और उसके बाद में आया। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या प्रिंसिपल साहब अमित साहब की इस कहानी में विश्वास करेंगे? भाई मैं तो नहीं करूंगी, झुमकी भी नहीं करेगी, रिद्धिमा भी नहीं करेगी और
रोहन भी नहीं करेंगे। लेकिन अमित की इस बात पर प्रिंसिपल साहब को हंसी आ गई तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप समय का ध्यान रखिए। तो अमित को लगा जब प्रिंसिपल साहब इतने नरम पड़े हैं तो उन्होंने, अमित ने भी प्रिंसिपल सर से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि सर ऐसा हुआ कि मैं अपने घर से निकला था स्कूल के लिए, लेकिन मेरे बस्ते में बहुत सारा सामान है, मुझे तरह तरह के सुंदर गोल मटोल अलग अलग तरह के कंकड़ पत्थर पंख ये सब इकट्ठा करने का बहुत शौक है, तो बस मैं उन्हें इकट्ठा करता हुआ आ रहा था और मुझे आने में देर हो गई। तो प्रिंसिपल साहब ने अमित को अपने रूम में बुलाया और कहा, ये मेरी मेज है, अब इस मेज पर अपना बस्ता पलट दो। तो सोचिए अमित ने क्या किया होगा, अमित को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल साहब की वे बात माने या ना माने। तो अमित ने अपना पूरा बस्ता प्रिंसिपल साहब की टेबल पर पलट दिया। प्रिंसिपल साहब हैरान थे, हे भगवान, ये तरह तरह का सामान, इसमें ढक्कन है, इसमें पंख है, पंख भी तरह तरह के, यानी कि अमित सड़क पर रास्ते में गिरे हुए पंखों को उठाकर अपने बस्ते में रख लेता था, मोर का पंख, तोते का पंख, कबूतर का पंख, चील का पंख, हर तरह के पंख उसके बस्ते में मौजूद थे, और तो और कंचे, अलग अलग रंग के कंचे, अलग अलग आकार के कंचे, तो कंचों का पूरा संसार अमित के बस्ते में था। प्रिंसिपल साहब को लगा कि अमित को अगर ये सारा सामान इकट्ठा करने का शौक है तो क्यों ना इसकी एक एग्जीबिशन लगा दी जाए। तो उन्होंने रिसेस के समय यानी कि जब भोजन का समय होता है उस समय उन्होंने स्कूल के आंगन में अमित के बस्ते की एक नुमाइश लगाई कि देखिए अमित के बस्ते में क्या क्या सामान है। सारे बच्चे आते, अमित के बस्ते के सामान को देखते और खिलखिलाकर हंसते और फिर अपनी क्लास में चले जाते। फिर प्रिंसिपल साहब ने घोषणा कर दी, भाई जिन जिन बच्चों को जिन जिन चीजों को इकट्ठा करने का शौक है वे सब उन सामानों को इकट्ठा कीजिए और हम अपने स्कूल में उस सामान की एक प्रदर्शनी लगाएंगे ताकि बाकी बच्चे भी तो देख सके कि सामान किस किस तरह का है, पंख किस किस तरह के हैं और पंखों में क्या फर्क है, पत्थरों में क्या फर्क है, क्यों ऐसा होता है कि कोई पत्थर बहुत चिकना होता है और क्यों ऐसा होता है कि कोई पत्थर चिकना नहीं होता, क्यों ऐसा होता है कि किसी पत्थर का रंग गहरा काला होता है और किसी पत्थर का रंग गुलाबी सा होता है, ऐसे कैसे हो जाता है कि कोई पंख हरे रंग का है और कोई पंख मटमैला है, और ये भी कैसे होता है कि किसी पंख में चांद के आकार की आकृति है, तरह तरह के रंग हैं और किसी पंख में इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये प्रकृति है, तो आपको भी अलग अलग सामान इकट्ठा करने का शौक जरूर होगा, अक्सर हर बच्चे को ये शौक होता है, और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना तो वो तरह तरह का सामान अपने पास एक झोले में इकट्ठा कर लेते हैं, और तो और उनकी ये आदत भी होती है कि वे उस झोले को लेकर सो जाते हैं, और पता है सुबह सबसे उठने पर उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वही अपना झोला चाहिए जिसमें उन्होंने उस सामान को इकट्ठा किया है। तो ये कहानी थी भालू ने खेली फुटबॉल, और हमने कौन सी कहानी सुनी, हमने कहा कि अमित ने बटोरा सामान। तो अमित के सामान बटोरने की कहानी भी तो आपने सुन ली। आप भी ऐसे अपने मजेदार किस्से अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और अपने घर के सदस्यों के साथ साझा कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप सोचिए इस कहानी में कौन सा ऐसा हिस्सा है कि अगर वह नहीं होता कोहरे के अलावा, क्योंकि हम कोहरे के बारे में तो बात कर चुके हैं, तो कोहरे के अलावा इस कहानी में ऐसा कौन सा हिस्सा है कि अगर वह नहीं होता तो कहानी इस तरह से आगे नहीं बढ़ती। मुझे तो मालूम है, अब बताना किसको है, बताना तो बच्चों को है, तो फिर मोहित क्या बताएंगे। तो मोहित ने पता क्या बताया, मोहित ने कहा, मुझे तो पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जितने बच्चे इस कहानी को सुन रहे हैं, रेडियो के पास कान लगाए बैठे हैं, वे भी जानते होंगे कि इस कहानी में ऐसा कौन सा हिस्सा है, अगर वह नहीं होता तो कहानी यूं खत्म नहीं होती। पता है अमित ने क्या बताया, अमित ने कहा, मेरे हिसाब से अगर भालू 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर अपने घर नहीं भागते तो कहानी यूं समाप्त ना होती।
तो फिर रिद्धिमा ने अमित से पूछा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो अमित ने जवाब दिया, भाई ऐसा इसलिए क्योंकि शेर के बच्चे ने जब भालू को देखा कि वो भाग रहे हैं अपने घर की तरफ, तो शेर के बच्चे ने ये समझ लिया था कि अब वे जमीन पर ही गिरेंगे, तो जमीन पर न गिरे, चोट न लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत पेड़ की डाल को पकड़ लिया। लेकिन कहां बेचारी पेड़ की डाल, कहां शेर का बच्चा? वो पेड़ की डाल शेर के बच्चे का भार सहन नहीं कर सकी और पेड़ की डाल चटाक से टूट गई। अब अगर डाल टूटी हुई नहीं होती तो माली जो हैं वे शेर के बच्चे पे नाराज नहीं होते। अब जब वे शेर के बच्चे पे नाराज नहीं होते तो शेर को भी यूं सरपट होकर अपने घर नहीं भागना पड़ता। शायद हो सकता था कि शेर जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर कुछ देर और सो लेता। तो आपके जैसे बच्चे जब बहुत ठंड होती है तो रजाई से बाहर नहीं आते, और तो और नहाने में भी कोताही बरतते हैं कि नहीं बहुत ठंड है, और कुछ बच्चे तो ऐसे जो कहते हैं पानी गीला है। अब सोचे कि पानी गीला ही तो होगा, सूखा कैसे होगा, और ठंड में पानी ठंडा होगा तो गर्म कैसे होगा? तो रिद्धिमा ने तुरंत कहा, गीजर चला लेंगे। तो मान लीजिए अगर लाइट नहीं आई तो गीजर कैसे चलेगा? तो रोहन ने कहा कि हम गैस का गीजर लगा लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये भी नहीं है तो पानी कैसे गर्म होगा? तो फिर अमित ने कहा कि हम सूरज की रोशनी में रख देंगे। फिर मैंने कहा कि अगर कोहरा कोहरा होगा तो सूरज की रोशनी कहाँ से आएगी, वहां से कैसे गर्माहट मिलेगी? तो फिर सब बच्चे परेशान हो गए कि आप तो हर बात पर एक सवाल कह देती हैं, कहानी का सारा मजा ही खराब हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि आप सोचिए तो सही कि हम जो बात कह रहे हैं अगर वो सब चीजें न हो तो फिर हमारे पास क्या विकल्प बचता है? तो कहानी में ऐसी तमाम घटनाएं हैं, अगर वे नहीं होती तो कहानी का अंत यूं नहीं होता। तो ठीक है, आज हम इतनी ही बात करते हैं इस कहानी के बारे में, और अब मैं विदा लेती हूँ आप सभी से, और बहुत जल्दी हम इस कहानी के अगले हिस्से के साथ मिलते हैं। नमस्कार साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।